हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टुडे इस वीडियो इज वेरी डिफरेंट वीडियो। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मैं अपने होम डेकोर के लिए कुछ ट्रेज सर्च कर रही थी जो कि मैं डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर सकूं, बट मैंने देखा उनका जो रेट था वो बहुत ही ज्यादा था। तो सडनली मेरी नजर इस तरीके की रॉ ट्रे पर भी गई। ये एकदम रॉ है, इसमें कोई भी पेंटिंग या कुछ नहीं है, रॉ फिनिश है इसकी। इस पर गई, ये हार्डली मुझे 250 के अराउंड मिली। और मैंने इसके दो पीस मंगवाए हैं, एक हेक्सागोनल शेप का है जो कि अराउंड 160 और 170 के आसपास मुझे मिला। तो ये दोनों मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए और इसको हम पेंट करेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली मिलती है। आप किसी भी साइट पे देख सकते हैं, शॉप्स पे देख सकते हैं, अराउंड 1300 to 1400 का सेट मिलता है, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इसको आज हम राजस्थानी लुक जो होता है वो उसमें इसको पेंट करेंगे। तो आज इसको पेंट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्रिलिक कलर्स। और आप देख रहे हैं कि जो ट्रे है वो बड़ी है काफी, तो इसको बेस को देने के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पर 12 नंबर ब्रश, जो कि बहुत बड़ा ब्रश होता है। और बाद में इसको कलरिंग करने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर ये फ्लैट ब्रश और ये पॉइंटेड ब्रश भी यूज करेंगे। देन इसके बाद मैं जो इसमें डिजाइन होता है, जो राजस्थानी आर्ट में आपने देखा होगा, उस डिजाइन को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे 3D लाइनर्स। अभी जो 3D लाइनर्स है वो अवेलेबल नहीं है, ना ही ऑनलाइन है, ना ही शॉप्स पर है। बहुत मुश्किल से मुझे ये एक पैकेट मिला छोटा वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये आप 3D लाइनर किस तरीके से घर पे बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो ये है हमें जो मटेरियल यहाँ पर चाहिए। अब शुरू करते हैं इसकी पेंटिंग। तो सबसे पहले हम इसको इसका बेस कलर करेंगे। बेस कलर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक्रिलिक कलर का व्हाइट कलर। इसमें हम एक कोट देंगे, उसके बाद फिर हम अपनी कलरिंग शुरू करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और कम पैसों में बना लेते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रे। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाइट कलर से बेस कोट देंगे। बेस कोट देने से हमारा क्या होगा, जितने भी हम कलर्स यहाँ यूज़ करेंगे वो बहुत खिलकर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस तरीके से बेस कोट दे दिया था। अब बेस कोट करने के बाद हमें पेंसिल और स्केल की हेल्प से इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, स्केल की चौड़ाई जितना मैंने बॉर्डर छोड़कर और बीच में एक आइडिया से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा ये बॉर्डर बना दिया है। और अब हम यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, 6 इंच और 6 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, जो छोटा वाला स्केल होता है उसका 6 सेंटीमीटर पॉइंट लेकर और उसको मार्क करके वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस तरह से 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे छोड़ा है और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। छोटा स्केल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बड़ा स्केल इसके अंदर नहीं आएगा तो मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। सेम हम मैंने दूसरी साइड भी किया है, यहाँ पे भी ये भी 6 इंच का गैप है और यहाँ पे ये 10 से 12 इंच का गैप है ये दोनों, और इसके बाद ये भी 6 इंच का है। तो यानी ये दोनों जो कॉर्नर वाले हैं ये सेम हैं और इसके बाद बीच वाले सेम हैं। फिर मैंने यहाँ जो बीच में है थोड़ा सा चौड़ा छोड़ा है स्पेस, और यहाँ पर मैं करूँगी पर्शियन ब्लू कलर। पर्शियन ब्लू कलर जैसा कि आपने अभी इमेज में मैंने आपसे शेयर किया था जो ऑनलाइन एक वेबसाइट पे थी, तो मैं बिल्कुल उसी का डिज़ाइन बना रही हूँ बट थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी, बिल्कुल सेम वैसा नहीं बनाएंगे हम। तो अब यहाँ पे ये पर्शियन ब्लू कलर कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वुडन है
पेपर नहीं है तो यहाँ पे बबल्स आ जाएंगे आपके, जो आप टेक्सचर एक बबल्स का टेक्सचर आ जाएगा और उससे क्या होगा कि आपके जो ट्रे है बहुत फेडेड लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको पूरा वाइब्रेंट फिनिश देने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक कॉर्नर अपने ब्रश का वाटर में डिप करना है, कलर लेना है और उसको स्मूथली यहाँ पे चलाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कलर्स कर लिए हैं और यहाँ पर मैं करूँगी ये येलो कलर, ये मेरा बर्न सियना कलर है, ये ग्रीन है और ये क्रिम्सम रेड कलर है और यहाँ पर अब मैं करूँगी लेमन येलो कलर। सो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो साइड के बॉर्डर से वहाँ पे मैं पर्शियन ब्लू कलर कर लूँगी। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब जो ये एजेस जो बन रहे हैं दो कलर्स के, यहाँ पर मैं व्हाइट एक्रीलिक कलर की और पतले ब्रश की हेल्प से, वन नंबर ब्रश है ये, थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे आउटलाइन करूँगी और इसके बाद हम इसको 3D मार्कर से डिज़ाइन देंगे। और यहाँ पर जब हम इस तरीके से इसकी आउटलाइन करेंगे वाइट कलर से, तो एक चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखें, वाइट कलर में एक थोड़ा सा वाटर ऐड करके ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी और कहीं से हल्की कहीं से गाढ़ी आएगी। तो इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी मेरे ये 3D लाइनर्स। ये 3D लाइनर्स की हेल्प से मैं यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी और मैं यहाँ पर ऑरेंज और वाइट 3D लाइनर से डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो आइए जल्दी से इस डिज़ाइन को बना लेते हैं और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। आप कोई भी अपनी पसंद का यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं, राजस्थान आर्ट बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद और ये एक ट्रेडिशनल आपको मतलब आपके घर को एक ट्रेडिशनल लुक देता है। जब भी आप अपने घर का डेकोर ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहें तो डेफिनेटली इस तरीके का आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये अंदर का जो 3D से डिज़ाइन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, आप कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है यहाँ पे और इसके बाद अब यहाँ पे जो ये हमारा बॉर्डर है इधर और ये जो एरिया है प्लस ये जो बाहर का एरिया है, यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फिनिश करेंगे जल्दी से। सबसे पहले मैं यहाँ इनर जो बॉर्डर है वहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके की ट्रेस बनाएं, आप चाहें तो कोई भी वुडन स्टूल उसके ऊपर भी इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। आज अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेडिशनल होम डेकोर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो इस डिज़ाइन को आप किसी भी चीज़ पर किसी भी सरफेस पर बना सकते हैं। आपको ये एक ट्रेड DIY मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ये DIY बहुत ही सुंदर लगता है कहीं पे भी रखा हुआ। अब इसको हम ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद हम इस पर वार्निश ज़रूर मारनी है, 2-3 वार्निश के कोट हम इसको ज़रूर देंगे क्योंकि ये वुडन है और हम इसको ट्रे यूज़ करेंगे एज ए सर्विंग ट्रे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, 2-3 वार्निश मस्ट है। और अगर आप इसे एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ कर रहे हैं तो भी आप 1 or 2 इसको ईजिली वार्निश के कोट दे दीजिएगा जिससे कि इसको क्लीन करने में आपको आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here,
world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.